हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क 20 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हैंग करता है तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में सबसे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर टैप करनी है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको ये मैनेज एप्स एंड डिवाइस पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है तो सी डिटेल पर टैप करना है, तो आपका ये पेज आता है। इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, इन सभी आपको अपडेट करना है इस अपडेट के बटन पे टैप करके, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। यहाँ पर आपको ये सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीका आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।